वेलकम टू अ फूड शो। आज फूड शो के ऊपर हम जानेंगे फर्क क्या है कॉर्न फ्लावर और कॉर्न स्टार्च में। इससे पहले हम ये जानें कि कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर में क्या फ़र्क है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि मेज़ और कॉर्न में क्या फ़र्क है। मेज़ और कॉर्न में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ के नाम है। सो सिंपल। अब चीज़ ये होती है, जब भी हम कलनरी टर्म्स या खाने की बात करते हैं ना, तो हम लोग कॉर्न शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आप खुद ही करते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, रोस्टेड कॉर्न वगैरह वगैरह। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो हम कहते हैं मेज़। जब व्यापारी जब उसको बेचते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कॉर्न बेच रहे हैं, हालांकि कह सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मेज़। और ये जो मेज़ और कॉर्न है, इनकी प्रोसेसिंग जब अलग तरीके से होती है, तो हमें मिलता है कॉर्न स्टार्च एंड कॉर्न फ्लावर, और ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इससे पहले कि हम डिफरेंस पे जाएं, एक पीस ऑफ हिस्ट्री देता हूं आपको। जो कॉर्न है वो आता है मेक्सिको से, मतलब पहली दफ़ा मेक्सिको में इसको डेवलप किया गया, और वहां के जो लोकल इन्हेबिटेंट्स थे वो इसे खाते थे। जो वहां पे उस वक्त लोकल ग्रास थी, उसका नाम था थियोसिंते, जिससे मक्का बना। और जो अपने भाई हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, वो निकले तो थे हिंदुस्तान को ढूंढने और पहुंच गए अमेरिकाज। कहते हैं ना क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड अमेरिका। जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां के जो लोग हैं कुछ खा रहे हैं, क्या है ये, ओ कॉर्न। और वही कॉर्न वो लेकर गए यूरोप में, और वहीं से यूरोप और पूरी दुनिया में मक्का फैला, यानी कि कॉर्न फैला। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री। लेकिन अब फ़र्क क्या है, आप ये जो मक्की का दाना हम लेते हैं, इसे अगर आप ड्राई करेंगे और साबुत को ही आप पीस देंगे, तो उसे कहेंगे कॉर्न फ्लावर। जी हाँ, जिसकी बनती है मक्की की रोटी, या हम कहते हैं ना मक्की का आटा, वो कॉर्न फ्लावर होता है। मक्के के अंदर जब आप उसे काटते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो एक सफ़ेद सा हिस्सा दिखता है, जो कि उसका एंडोस्पर्म वाला एरिया होता है। उसका आप जब आटा बनाते हैं या उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे बनता है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च काम आता है सूप्स को थिक करने में, जैसे चाइनीज़ क्विजीन के अंदर हम लोग करते हैं, या फिर कभी कभार जब हम कोफ्ते बना रहे होते हैं, टूट जाते हैं, तो कहते हैं ना थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल दो। बोलते हैं हम कॉर्नफ्लावर है, वो होता कॉर्न स्टार्च है। तो ये था एक मोटा मोटा डिफरेंस दोनों के अंदर। दोनों के एप्लीकेशन बहुत अलग है। हालांकि कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो बेच रहे होते हैं कॉर्न स्टार्च, लेकिन पैकेट पे लिखा होता है कॉर्नफ्लावर, ऐसा भी होता है। सो आई होप यू इन्जॉयड वॉचिंग अ फूड शो। और अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल हैं कि भाई अगर आपको जानना है थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे अभी हमने बात करी कि कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर, वैसे किसी और चीज़ के अंदर अगर आपको पता करना है, खाने की नॉलेज लेनी है, लिखिए कमेंट्स में नीचे, और एक एक करके कमेंट्स पढ़ूंगा एंड कोशिश करूंगा कि सब कमेंट्स के ऊपर वीडियो बना पाऊँ। सो मिलते हैं, टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।